ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न। सिर्फ सानू रविदास महाराज जी की नगरी दे विच ही देखण नू मिलदियां आ, ये साडे फॉरन कंट्री दे विच ये रौनकां नहीं हुंदियां। I learned that they can make a whole gathering of people follow their footsteps and create a better path for each other. मेरे एक्सीडेंट होया, मेरे 4 साल हो गए एक्सीडेंट होए ना, मेरे ब्लड जदों चढ़िया ना उहदे विच इह थोड़ा ब्लड च किते लिखिया सी वी इह कोई मुसलमान है, इह सिख है, कसाई है ना, इह उदों आपां इक सारे नूं इक हक च रखदे ना। इस करके इही चीज़ सारी दुनिया चुनी चाहीदी आ, कोई भी धर्म होवे, कोई भी धर्म होवे ना, उहनूं सारे नूं अपनाउणा चाहीदा है। साडे गुरु महाराज जी ने सानूं शिक्षा दित्ती है, उहदे च आपां किसी दे विच भेदभाव नहीं रखदे, असीं सारिआं नूं उप्पर जा मंनदे आ। एकता में रहना चाहिए, हरेक नूं भाईचारे में रहना चाहिए, जे किसी दे गरीब है या कोई अमीर है, किसी दी जिथे तक भी मदद होनी हुंदी होवे करनी चाहिए यार। अज दा दिन बहुत ही पावन ते पवित्र दिहाड़ा है। अज दा दिन श्री गुरु रविदास जी का जन्म दिहाड़ा। 14वीं सदी के भगती लहर के महान संत कवि श्री गुरु रविदास जी, जिन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों के नाल समाज सुधार की अजिही लहर चलाई, जिन्होंने अजिहे समाज की सिरजना की जिदे विच किसी तरह का कोई भी भेदभाव जात पात ना हो, कोई भी वितकरा ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो, ना ही कोई अमीर गरीब का पाड़ा हो। महान संत कवि श्री गुरु रविदास जी, जिन्हों के पावन दिहाड़े के उपर हर साल मेला लगाया जाता है, 3 दिन चलन वाला मेला, अते उन्होंने जन्म स्थान चलन वाली बेगमपुरा एक्सप्रेस हर कोई जानता है, तो इस वेले रौनक लगिया हुई ने उन्होंने जन्म दिहाड़े के मौके पर मेले दिया। आओ आनंद माणदे आ इस मेले का। जो बोले सो नर पै, सतगुरु रविदास महाराज की जय। श्री गुरु रविदास महाराज जी का जन्म 1433 माघ सुंदी 15 दुखनियों के कल्याण हित प्रगटे गुरु रविदास। सतगुरु रविदास जी महाराज एक गरीब परिवार में जिन्होंने जन्म लिया और कृति बड़े हो के उन्होंने कृतियां दे बहुत संघर्ष शुरू किया। सतगुरु रविदास जी ने किसी एक समाज की गल नहीं की, किसी एक देश की गल नहीं की, उन्होंने कहा ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न। सतगुरु रविदास जी बराबरता भाईचारे मनुखता लई सारी उम्र उन्होंने बाणी की। सतगुरु रविदास महाराज जी की उम्र 151 साल, उन्होंने बहुत बाणी लिखी है जो कि अमृत बाणी और होर कई ग्रंथों में दर्ज है। सतगुरु रविदास महाराज जी उन्होंने 52 राजे शरण में आए, उन्होंने उन्होंने गुरु धारण किया, जिन्हों के राजा पीपा जी, सिकंदर लोधी, राजा नागरमल जी, मीराबाई और झालाबाई और बहुत सारे राजा ने उन्होंने गुरु धारणा की। सतगुरु रविदास जी महाराज जी ने बराबरता भाईचारे का हमेशा संदेश दिता है। सतगुरु रविदास जी महाराज जी ने जीव हत्या के विरुद्ध मदरा पीनते भी उन्होंने कहा है, रविदास मदरा ना पीजिए जो चढ़े चढ़े उतराए, राम महारस पीजिए जो चढ़े ना है उतराए। सतगुरु रविदास जी महाराज 151 साल की उम्र तो बाद 1584 पई चितौड़ में वीर, जर जर दे कंचन भई जर जर वे हो शरीर। श्री गुरु रविदास जी महाराज जी का इत्थे तकरीबन कोई 1930 तो समागम चलते आ रहे हैं। सतगुरु रविदास जी 1930 तो शोभा यात्रा इत्थे शुरू हुई,
ते अज वह बहुत विशाल रूप धारण कर चुकी है। आप जी सब देखते हो देशों विदेशों के विचों संगत इत्थे गुरु रविदास महाराज जी दे मंदिर दे विच गुरु रविदास धाम विखे नतमस्तक हुंदियां हन ते गुरु जी दियां खुशियां प्राप्त करदियां हन। श्री गुरु रविदास जी दे 646वें पुरब दे पूरे संसार नूं असी वधाई देंदे हां। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। मेले दियां रौनकां दा आनंद इत्थे लोकी माण रहे ने। साडे कोल स्पैशल आए ने मैडम, ये अमेरिका तो स्पैशल मेले वास्ते आए ने। हाँ जी, की कहना चाहोगे? मैं संदीप बाबो जी, असी न्यूयॉर्क तो आए हैं जी। असी इत्थे स्पैशल मेला देखण आए हैं। साडे वालों ते मेरे परिवार वालों श्री गुरु रविदास महाराज जी दे प्रकाश पुरब दियां समुचे जगत नूं बहुत 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 मुबारक होण जी। तुहानूं भी मुबारक। अच्छा, जिदा ये वाला जो मेले का माहौल है इंडिया का पंजाब का, ये उत्थे बाहर तो मिस करते होने? बहुत मिस करते हैं जी। सानू ये माहौल उत्थे देखने नूं नहीं मिलता गा। सिर्फ असी गुरुद्वारे दे विच मनाउंदे आ ते आ जिहड़ियां इन्नियां रौनकां आ ये सिर्फ सानू रविदास महाराज जी की नगरी दे विच ही देखने नूं मिलदियां आ। ये साडे फॉरन कंट्री दे विच ये रौनकां नहीं हुंदियां। हाँ जी। व्हाट डू यू वांट टू से दैट व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम श्री गुरु रविदास जी? I learned that they can make a whole gathering of people follow their footsteps and create a better path for each other. So I just want to wish everybody a happy and joyful parade and festivities. क्या बात है जी। मेले दे विच जिथे हर तरह दी स्टॉल लगे हुए ने, लोकां दे लई मनोरंजन दे लई हर तरह दा साधन है, लंगर दे प्रबंध कीते गए ने, उत्थे ही लोकां दी सुरक्षा नूं देखदा होया जिथे ट्रैफिक रूट जिहड़ा उह डाइवर्ट कीते गए ने, पुलिस दीआं टुकड़ियां तैनात कीतीआं गईआं ने, उत्थे ही एंबूलेंस दा इंतजाम भी कीता गया। सो हर तरीके दे नाल मेले दे इस पूरे बंदोबस्त नूं चुस्त दुरुस्त रखण दे लई प्रशासन ने तैयारियां कीतीआं होईआं ने। सो ये वीर जी भी बच्चों नाल लैके आए हुए ने मेले दे विच जी। हाँ जी मैडम, मेला साडे श्री गुरु रविदास महाराज जी का मेला वा, उन्हां दा जन्म दिहाड़ा वा। इस खुशी दे विच आपां अपने बच्चे लैके आए हाँ ते दो तीन दिन आपां मेला चलना वा, दो तीन दिन आपां मेला देखण आवांगे। सिर्फ मेला ही देखना या फिर उन्हां दी सिक्ख्यावां दा पालन भी करना है? मैडम, उन्हां दी सिक्ख्यावां दा पालन ते आपां शुरू तों करदे आए हाँ। हाँ, अगों ही करदे रहांगे। इदां ही अपने बच्चों नूं भी आपां इही शिक्षा दिंदे हाँ कि उन्हां दे रस्ते ते चलो। उन्होंने एक यहो जि समाज की सिरजना करन दी गल कीती सी जिहदे विच ऊंच नीच ना होवे, अमीर गरीब ना होवे। लगदा कि इहो जि समाज सिरजिया गया है? कुछ हद तक ते मैडम होया वा, पर पूरा नहीं होया अजे तक। जिहदे विच अमीर गरीब दा हजे भी भेदभाव हुंदा वा, कुछ जातियां पातियां दा भी हुंदा वा, पर जिहड़े साडे गुरु महाराज जी ने सानूं शिक्षा दित्ती है उहदे च आपां किसे दे विच भेदभाव नहीं रखदे, असीं सारिआं नूं इक्को जिहा मंनदे आं। शुक्रिया। श्री गुरु रविदास जी महाराज जी ने एक इहो जिहे समाज की सिरजना करन दी गल कीती जिहदे विच अमीर गरीब ना होवे, ऊंच नीच ना होवे। इन्ने सालां बाद, इन्नियां सदियां बाद तुहानूं लगदा है कि ओह गल्लां अज सार्थक होईआं ने या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल जी। उन्होंने बेगमपुरा एक नाम इदां रख्या वी बेगमपुरे विच किसे नूं कोई कम ना होवे, वी सारिआं नूं इक इदां दा समाज दे दित्ता जिहदे विच कोई ऊंच नीच दा फर्क नहीं, वी जात पात उन्होंने बिल्कुल उह कीती आ। की जात पात खत्म हुई? जात पात असी इस चीज़ नूं मन के चलते भी हुण साडा इतिहास साडा धर्म वो नहीं रहा, हुण साडा धर्म काफ़ी डिवेलप हो गया। असी कहने आ भी चलो हरेक चीज़ नूं राइज़ हो रहा ते है, पर दलितां दे उपर अज भी उदां ही अत्याचार। बिल्कुल बिल्कुल है हले वो चीज़, बट आने वाले टाइम दे विच ये चीज़ होएगी खत्म, क्योंकि हुण सारे एक पढ़ लिख रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने सानू इन्ना उस चीज़ नूं माण दिता ते असी उस चीज़ नूं पढ़ रहे हैं ते सही राइज कर रहे इस चीज नु ते हौली हौली ओह चीज होएगी। शुक्रिया। जिस तरीके दे नाल श्री गुरु रविदास जी ने या फिर बाबा साहब अंबेडकर जी ने एक इहो जिहे समाज की स्थापना करने की कोशिश की जिथे बराबरता होवे, दलितों नु उन्हां दे हक मिलन, लगता है कि अज ओह जिस तरीके दे नाल उन्होंने कहा सी ओह हो रहा है? देखो मैडम, आपां इस दुनिया दे रहिंदे समाज आ ना, आपां प्रोपर नहीं कह रहे भी पूरे हक मिलते, पर हक मिलन भी डे आ। इस करके लोगों भी थोड़ा जिहा चाहिए, जागरूक होना चाहिए। ये जिहड़े जातां पातां आ, देखो इंसान मेरे एक्सीडेंट होया, मेरे 4 साल हो गए एक्सीडेंट होए ने, है ना, मेरे ब्लड जो चढ़िया ना उहदे विच ये थोड़ा ब्लड 'च कितें लिखिया सी भी ये कोई मुसलमान है, ये सिख है, ईसाई है ना, ये उदों आपां इक सारे नूं इक हक 'च रखदे आ ना। इस करके यही चीज़ सारी दुनिया चुनी चाहिए आ।
कोई भी धर्म हो कोई भी धर्म होना सारे अपना चाहिए है। किसी ऊंच नीच नहीं भी कि वधिया धर्म है जी उच्चा होना चाहिए। ये चीज़ा हरेक गुरु ने खत्म कीतियां, हरेक गुरु ने यही समाज में मैसेज दिता है भी सारा धर्म एक है, कोई जात पात ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं सारे लोगों यही अपील करता ये चीज़ों तो आपू सारू उठना चाहिए, एकता में रहना चाहिए, हरेक भाईचारे में रहना चाहिए। जे किसी के गरीब है या कोई अमीर है किसी की जिथे तक भी मदद होनी होंगी होनी चाहिए आप जी। रात को तुम इन जगाओगे तो जगमग जगमग रोशनी हो जाएगी। चीप एंड बेस्ट है, दिवाली के मौके पर भी जगा सकते हो और किसी भी ओकेजन पर जगा सकते हो और बना सकते हो अपने रूम नू अपने घर नू जगमगा। श्री गुरु रविदास जी ने 14वीं सदी के जिस तरीके दे नाल जात पात की समस्या नू जड़ों खत्म करन दी गल कीती, अज लोड़ है उन्हां दे पाए पूर्णियां ते तुरन दी, अज लोड़ है उन्हां दी सिख्या नू मनन दी, उस दे उपर पैरा देन दी। सो मेले का आनंद असी खूब माणिया, बाकी तुहानू सारिआं नू श्री गुरु रविदास जी दे जन्म दिहाड़े दीआं बहुत बहुत मुबारकां। देखते रहो समय दी आवाज़ रेडियो स्पाइस।